हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ISL ट्रांसफ़र मार्केट। तो आज हम बात करेंगे दो बड़े ISL ट्रांसफर्स के बारे में, जिनमें हम पहला बात करेंगे हैदराबाद FC के मोहम्मद यासिर के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मोहम्मद यासिर 24 ईयर ओल्ड मिडफील्डर हैं, जो कि हैदराबाद FC के लिए खेलते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि बेंगलुरु FC काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मोहम्मद यासिर को साइन करने के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मोहम्मद यासिर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और वो हैदराबाद FC के साथ 2025 तक कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर बेंगलुरु FC उनको साइन करना चाहती है तो बेंगलुरु FC को ट्रांसफ़र भी पे करना पड़ेगा। मोहम्मद यासिर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे थे हैदराबाद FC के लिए। लास्ट सीज़न उन्होंने HFC के लिए 3 गोल स्कोर किया था और 4 असिस्ट भी प्रोवाइड किया था लास्ट सीज़न। अगली ट्रांसफ़र अपडेट है रेनियर फर्नांडेज से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि रेनियर 27 ईयर ओल्ड मिडफील्डर हैं, जो कि लास्ट सीज़न ओडिशा FC के लिए खेले थे। रेनियर वैसे तो मुंबई सिटी FC के प्लेयर हैं, लेकिन मुंबई सिटी FC ने उन्हें लोन आउट कर दिया था ओडिशा FC में एक सीज़न के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि रेनियर का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई सिटी FC के लिए भी ख़त्म हो चुका है और वो इस समर फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सुनने में आ रहा है कि FC गोवा टॉक्स में है रेनियर फर्नांडेज के साथ और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेनियर फर्नांडेज को साइन करने के लिए। रेनियर ने लास्ट सीज़न ओडिशा FC के लिए 3 असिस्ट प्रोवाइड किया था और काफ़ी की प्लेयर थे ओडिशा FC के लिए लास्ट सीज़न। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि FC गोवा रेनियर फर्नांडेज को साइन कर पाते हैं या नहीं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आप सभी को हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।